अनुपमा सीरियल बेशक कहानी है अनुपमा नाम की महिला की, पर इस कहानी को अनुपमा के किरदार वाली एक्ट्रेस के साथ साथ बाकी महिला किरदारों में नजर आने वाली अभिनेत्रियों ने भी अपने किरदारों में पिरोकर अपने सुंदर अभिनय से और भी सुंदर बनाया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सीरियल में नजर आने वाली सभी अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री के अभिनय के दर्शक सबसे ज्यादा दीवाने हैं? कौन है दर्शकों की पसंदीदा अभिनेत्री? आइए इसी सवाल का जवाब जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, जसवीर कौर। शो के अंदर अनुपमा की सबसे अच्छी दोस्त देविका की भूमिका में नजर आती हैं अभिनेत्री जसवीर कौर, जो बहुत ही चुलबुली और समझदार लड़की का किरदार है जिसे ये बखूबी पर्दे पर निभाकर दर्शकों का दिल जीत रही है। नंबर 9, अल्पना बुच। अनुपमा की खड़ूस सास लीला की भूमिका में अभिनेत्री अल्पना बुच नजर आती है और अपने इस किरदार में इन्होंने जहाँ कभी एक अच्छी सास की भूमिका निभाते हुए अनुपमा को किया तो कभी अपनी बहू से नफरत करने वाली सास का भी किरदार बखूबी निभाया। नंबर 8, मुस्कान बामने। अभिनेत्री मुस्कान बामने को आप सीरियल अनुपमा की सबसे छोटी बेटी पाखी के रोल में देख रहे होंगे और अपने इस किरदार में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाते हुए इन्होंने जहां बदतमीज बिगड़ी हुई बेटी के किरदार को बखूबी निभाया तो वही अपने माता पिता से प्यार करने वाली बेटी की भी झलक बखूबी दिखाई है। नंबर 7, तस्नीम शेख। किंजल बहू की मम्मी राखी दवे के नकारात्मक किरदार में अभिनेत्री तस्नीम शेख ने सीरियल में अपने से रुतबे में कम अपने समधियों की बेइज्जती करने वाली समधन के किरदार को बखूबी पर्दे पर उतार कर अपने दमदार अभिनय का प्रदर्शन बखूबी कर दर्शकों का दिल जीता है। नंबर 6, अश्लेषा सावंत। बरखा के किरदार के साथ अभिनेत्री अश्लेषा सावंत को इस सीरियल में काम करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, पर फिर भी इन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिका में अपने दमदार प्रदर्शन से अभी से ही दर्शकों को अपना फैन बना लिया है। नंबर 5, मदालसा शर्मा। जब से सीरियल शुरू हुआ है तब से काव्या किरदार के साथ मदालसा शर्मा ने नकारात्मक भूमिका निभाकर रूपाली गांगुली की तरह ही दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई है और इनकी यही बात साबित करती है इनकी अदायगी वाकई बेहतरीन है। नंबर 4, रूपाली गांगुली। अब बात करते हैं शो की जान अनुपमा के किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारने वाली अभिनेत्री रूपाली गांगुली के अभिनय की, जिन्होंने अपने इस किरदार में एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी सहित अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाली महिला की भूमिका को अपने सुंदर अभिनय के साथ इस कदर पर्दे पर पेश किया कि आज सभी दर्शकों की जुबां पर इन्हीं का नाम रहता है। नंबर 3, अनघा भोसले। नंदिनी के किरदार को निभाने वाली अभिनेत्री अनघा भोसले को आप सभी अभी भुला नहीं पाए होंगे। बेशक से ये शो छोड़कर चली गई हैं, पर आज भी इनके किरदार के साथ उनके अभिनय की छाप दर्शकों के दिलों पर बरकरार है। नंबर 2, निधिशा। अनुपमा की फरमा बरदार बहू के किरदार को अभिनेत्री निधिशा पर्दे पर पेश करती हैं, जिनका भले ही शो के अंदर ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं होता है, पर अपने इस छोटे स्क्रीन स्पेस में ही अभिनेत्री इस कदर अपने किरदार के साथ दर्शकों को बांध लेती हैं कि उनकी नजर इन पर से हटती ही नहीं। यह इनके अभिनय का जादू नहीं तो और क्या है। नंबर 1, अनेरी वजानी। अब अंत में बात करते हैं अनेरी वजानी के बारे में, जो शो के अंदर अनुज की बहन मालविका के किरदार में नजर आई थी, जो अपने भाई से बेहद प्यार करने वाली और अपनी शर्तों पर जीने वाली लड़की का किरदार था, जिसे निभाकर यह दर्शकों की नजरों में काफी आ गई थी। लेकिन अब अंत में बात करें उस अभिनेत्री के बारे में जिसने अपने अभिनय के साथ दर्शकों के दिलों में सबसे ज्यादा जगह बनाई है, तो वो अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि रूपाली गांगुली है, जो इन सभी अभिनेत्रियों से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड अभिनेत्री है। इसलिए तो उनके इस किरदार में हमेशा परफेक्शन दिखाई देती है और ये उसी परफेक्शन का नतीजा है कि अपने इस किरदार के साथ ये दर्शकों के जहन में बस चुकी हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस अभिनेत्री की एक्टिंग सबसे ज्यादा पसंद है, आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।